प्रदेश में हो रहे घोटालों की जांच और कोरोना फंड के इस्तेमाल को लेकर सरकार से श्वेत पत्र की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल को उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन भेजा है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग के घोटालों की निष्पक्ष जांच के पक्ष में नहीं है, इसलिए मामले की जांच हाई कोर्ट के न्यायाधीश के माध्यम से होनी चाहिए। साथ ही प्रदेश सरकार कोविड-19 के फंड का दुरुपयोग कर रही है, उस पर भी श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि लॉकडाउन के बाद पार्टी सड़कों पर उतरकर विरोध जताएगी। हमीरपुर में जिला कांग्रेस कमेटी ने उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार के अगुवाई में जिला के पदाधिकारियों ने उपायुक्त को मिलकर जांच की मांग उठाई। इस मौके पर प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनीता वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष व विधायक राजेंद्र राणा, प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल, दीपक शर्मा, प्रदेश कांग्रेस आईटी सेल के चेयरमैन अभिषेक राणा भी मौजूद रहे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के पास ही गृह मंत्रालय है और मुख्यमंत्री खुद स्वास्थ्य विभाग को देख रहे हैं, ऐसे में निष्पक्ष जांच हो नहीं सकती। इसलिए कांग्रेस पार्टी मामले की जांच हाई कोर्ट के न्यायाधीश के माध्यम से करवाने की मांग करता है। उन्होंने प्रदेश सरकार से कोविड-19 के फंड के खर्च पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग भी उठाई। गवर्नर को ये मेमोरेंडम दे रहे हैं डिप्टी कमिश्नर के थ्रू कि वो ये गवर्नर तक पहुँचाए। एक तो उसमें हमने रिक्वेस्ट की है कि इसकी इंक्वायरी, क्योंकि इस वक्त मुख्यमंत्री के पास ही हेल्थ डिपार्टमेंट है और मुख्यमंत्ही होम मिनिस्ट्री का चार्ज लिए हुए हैं, तो उन्हें इस इंक्वायरी में हमें निष्पक्ष इंक्वायरी की ये आशा नहीं है। तो इसलिए हमने गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि इसमें सिटिंग जज से, किसी भी सिटिंग जज से इस इंक्वायरी को कंडक्ट करवाया जाए। जो कोविड-19 के फंड्स हुए हैं उसमें हमने अलर्ज किया है कि वो उसमें जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो इन ऑर्डर नहीं हुआ है, तो उसका भी सरकार की तरफ से एक वाइट पेपर, श्वेत पत्र जारी होना चाहिए, ये हमने तो रिक्वेस्ट की है। कांग्रेस के विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, मगर भाजपा सरकार के राज में आए दिन भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने आयुर्वेदिक दवा घोटाला, पीपीई किट, सैनिटाइजर घोटाला हुए हैं और सरकार उसे दबाने का प्रयास कर रही है। राणा ने चेतावनी देते हुए कहा कि लॉकडाउन के बाद पार्टी सड़कों पर उतरकर हर मुद्दे पर विरोध जताएगी। हम ये कह रहे हैं कि जो पार्टी जीरो टॉलरेंस को लेकर भ्रष्टाचार की बात कर, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस जो है वो बर्दाश्त की जाएगी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज 2.5 साल में एक के बाद एक अनेकों जो है वो भ्रष्टाचार के मामले सामने हैं। आप देखिए कि आयुर्वेदिक विभाग में दवाइयों का जो खरीद का मामला हुआ, बहुत बड़ा घोटाला हुआ, उसको दबा दिया गया। आज जो है जो पीपी किटों का मामला हुआ, आज सामने आ गया है। आज आप देखिए कि इसके अलावा जो है सैनिटाइजर जो है जो 50 रुपए में मिलता है उसको 3 गुना में खरीदा गया, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। आज लोग विश्वास किसके ऊपर करें? आज सरकार में इस तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ है और आज कोविड-19 का दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। अगर ये लॉकडाउन ना होता तो आज कांग्रेस पार्टी जो है वो सड़कों पर होती, आंदोलन करती है, और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम आंदोलन भी करेंगे। और हम चाहते हैं कि सरकार जो इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है वो दाद वाई स्थिति जैसे इंक्वायरी हो, और अगर या फिर किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से इंक्वायरी कराए, ताकि हिमाचल प्रदेश की जनता को दूध का दूध और पानी का पानी पता लगे।